इसमें एक तो विषय का निर्देश उपोद्घात के रूप में दिया है कि परम कारुणिक भगवान जैमिनी महर्षि ने द्वादश अध्यायों से युक्त मीमांसा सूत्रों की रचना की, जो धर्म के विषय में चर्चा करता है। और उसमें पहला सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा यह आया। तो इसमें जो अथ शब्द है वो वेदाध्ययन के आनंतर्य को बताता है, और अत शब्द दृष्ट प्रयोजन को सूचित करता है कि वेदाध्ययन करने से उसका तत्काल अर्थ ज्ञान होना ये दृष्ट प्रयोजन है। और इसलिए ऐसा अर्थ ज्ञान हो गया, अब इसका निर्णय के लिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म के विषय में निर्णय के लिए धर्म जिज्ञासा कर्तव्य करनी चाहिए। तो ये किस प्रसंग में आया, ये दृष्ट प्रयोजन कैसा सिद्ध होता है, तो इसके लिए ये नियम बताया है कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः। स्व कुल गोत्र के द्वारा विहित जो वेदाध्ययन शाखा है जिसके अध्ययन हमको करनी चाहिए, वो अपेक्षा के अनुसार समय काल दे करके उसी को पूरा करना चाहिए, ये नियम है। ये स्वाध्याय अध्येतव्य के द्वारा कहा, और इसलिए यह अध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। तो यहाँ अध्ययन का फल दृष्टार्थ रूप प्रयोजन है, वो अर्थ का ज्ञान उसके साथ हो जाएगा, अध्ययन के साथ अर्थ ज्ञान हो जाएगा, ये कहा। अब उसके बाद में अर्थ ज्ञान होने के बाद फिर आगे की बातों के निर्णय के लिए विचार करते हैं, ये प्रसंग है। इसमें मूल जो है, ये मंगलाचरण श्लोक और मूल कर्णिका याद करने के लिए कहा था, मंगलाचरण श्लोक याद हो गया, याद है मंगलाचरण श्लोक याद नहीं किया, मंगलाचरण क्या मूल में नहीं है क्या? मंगलाचरण तो मूल में है, वो सबसे पहले तो उसको याद करना चाहिए, उसको क्या बोलना है मंगलाचरण याद नहीं किया है, वो पूछना पड़ता है, वो तो कितना दिन हो गया उसको याद करना है। और मूल में जो पंक्तियां हैं, हाँ बताइए, पहले पुस्तक बंद करिए, बताइए। बोलिए, अथ परम कारुणिक से लेकर याद, बोलिए आप।
धर्म जिज्ञासाम धर्म जिज्ञासाम सूत्रयाम बभूव नहीं सूत्रयाम आस तत्र अथ शब्द अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः ब्रूते द्वादश प्रणिनीय तत्रादो जिज्ञासा सूत्रं सूत्रयामास अत्राथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः अथ शब्दो हि वेदाध्यायस्य दृष्टे दृष्टार्थत्वं वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिभास्करः कुरुदेजैमिनिनये प्रवेशायार्थसङ्ग्रहम् अथ परमकारुणिको जैमिनिर्दर्पविवेगाय द्वादशलक्षणीं प्रणिनीय तत्रादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामास अथादौ धर्मजिज्ञासेति अत्राथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः अथ शब्दो हि वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते ये दूसरे कर्णिका इसमें है ये भी याद करते रहना है और जो लक्षण आएगा लक्षण को भी याद करना है जो लक्षण रूप से लिखते हैं कोई श्लोक लिखते हैं ये भी याद करते जाना तभी जाके ये पढ़ने का फायदा होगा। हाँ खाली ऐसा वो समझने समझते रहेगा समझना कोई जरूरी नहीं है अभी वेदाध्ययन में केवल जो है वो मंत्र उजड़ करके ही चलना है लक्षण जहाँ देंगे हम बताएंगे आपको कौन सा लक्षण याद करना है ना जब लक्षण आएगा वो बता वो टीका में कहीं भी आएगा टीका में भी आ सकता है और व्याख्यान में भी आ सकता है या हम बाहर से भी दे सकते हैं ऐसा भी दे सकते हैं। अभी कल जैसा भगवान का लक्षण आया भगवान का लक्षण दो श्लोक बताया था तो वो ऐसा भगवान का लक्षण है वो तो वो लक्षण हो गया वो भगा शब्द का अर्थ है वो उसको याद करना है तो यही है याद करना है जो पता है अमर
वो नहीं जो श्लोक बोला था ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य सुश्रिया, हाँ ऐसा जो बाहर से बोल रहे हैं वो भी करना है और इसमें जो है वो भी करना है। जो बाहर से बोलते हैं उसको लिख के लेना है, लिख के लेकर करना है, लिखने के लिए हमने बताया था तो लिख के लेके उसको याद करना है, तब जा कर के ये कुछ याद रहेगा, समझ में आएगा ये, और ये सारी चीज़ें आपको काम आएगा बाद में। बाकी ये पढ़ के जाएंगे और समझ के जाएंगे वो तो भूल ही जाता है, इसका कोई प्रयोग करेंगे नहीं और इससे जो पूरा फल निकलना है वो नहीं निकलता, ऐसा नहीं होगा। याद तो करना पड़ेगा, ये हमने पहले ही पूछा था, याद करने के लिए तैयारी करने के लिए तैयार है तब करेंगे, बाकी बोलते जाने के लिए कथा सुनाते जाने के लिए क्या है, ऐसा नहीं है। मूल ग्रंथ है ये, याद करना पड़ेगा जहाँ जहाँ बोलेंगे। अभी पूरे टीका लंबी चौड़ी ये सारे याद करना जरूरी है, इसमें से हम संक्षेप करके निकाल के आपको बता रहे हैं और बाहर से कभी लिखा रहे हैं, हाँ तो ये याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो धर्म जिज्ञासा जो होगा उसमें जिज्ञासा पद का क्या अर्थ है इसके विषय में आगे मूल में कहा, तथा च वेदाध्ययनानन्तरम् यदो अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकं तदध्ययनम्। अदो हेदोर्धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शेषः। जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। अतो धर्म विचार शास्त्रमिदमारंभणीयमिति शास्त्रारंभ सूत्रार्थः। तथाच इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये अथा दो धर्म जिज्ञासा सूत्र का तात्पर्य क्या है इसी को कहा तथाच। वेदाध्ययन अनंतरम, वेद अध्ययन के बाद में, वेद का अध्ययन होने के बाद, यदो अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, जिससे अर्थज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन हो गया, वेद का अध्ययन करने के बाद अर्थ ज्ञान हो गया वही दृष्ट प्रयोजन है। तो अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन प्राप्त होने से तद अध्ययनम, उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अतो हेतो हो इसी कारण से, अतः हेतो हो इसी कारण से ही धर्मस्य वेदार्थस्य, धर्म क्या है, वेद का अर्थ तात्पर्य है, कि शब्दार्थ ज्ञान होने के बाद तात्पर्य का विषय चिंतन करना चाहिए। धर्मस्य वेदार्थस्य वेद तात्पर्यस्य जिज्ञासा कर्तव्य इति शेष, जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा शेष लगाना, जिज्ञासा पद के आगे कर्तव्य इति शेष, कर्तव्य ऐसा शेष जोड़ना पड़ेगा, धर्म जिज्ञासा कर्तव्य ऐसा अर्थ हो जाएगा, धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, किसको कब करना चाहिए ये स्पष्ट रूप से कहा, इससे क्या अधिकार निर्देश होता है, अधिकार निर्देश स्पष्ट होने से वो ग्रंथ का प्रयोजन पूरा पूरा हो जाता है, क्योंकि जो अधिकार ठीक नहीं समझेगा कि मैं ये ठीक अधिकारी नहीं हुआ तो इस प्रकार के ग्रंथ को अध्ययन करके उनको प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो प्रयोजन सिद्धि के लिए अधिकारी को स्पष्ट समझना आवश्यक होता है कि जैसा वेदाध्ययन किया, वेद को पूरा उन्होंने रट लिया, जान लिया, समझ लिया, इतने बड़े अधिकारी हैं,
तो ऐसे अधिकारी के लिए ये ग्रंथ प्रयोजन में आएगा, ऐसा कहा। तो ये जो मूल ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, उसका ये संक्षिप्त रूप है उसमें प्रवेश करने के। तो ये जिज्ञासा करनी चाहिए धर्म के विषय में, जिज्ञासा करने का। अब धर्म क्या होगा, कैसे होगा, उसका आचरण क्या होगा, धर्म क्या है, इत्यादि व्याख्या जाननी चाहिए। तो इसलिए हम अपने आप अपने अधिकारित्व को ठीक करने की प्रयत्न करते रहना है। ऐसा नहीं हो गया नहीं हो गया ऐसा सोचने से होगा नहीं। हम अधिकारी को सिद्ध करेंगे, ग्रंथ हमारे पास बहुत कुछ है, ग्रंथ पढ़ने में इतना जो है आप कितने जन्म पढ़ेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए इतना सारा ग्रंथ है, ग्रंथ की कमी नहीं है। पहले अपने अधिकारित्व को सिद्ध करें, हम उसमें प्रयास लगाएं, जो हम कर रहा है जितना थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसको याद करें समझें, ऐसा होता है तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, ज्ञान भी ठीक हो जाएगा, शरीर भी ठीक हो जाएगा और आपको जो है मुक्ति फल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं करने से, आलस नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अधिकारी को बार बार बता रहा है, अधिकारी नहीं समझेंगे तो क्या होगा। तो जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा, जिज्ञासा पद यहाँ विचार में लक्षणा है, पहले बता दिया ये जिज्ञासा यहाँ करना है। तो जिज्ञासा करना मैंने विचार करना है। तो जिज्ञासा पद से ज्ञातु इच्छा जिज्ञासा, ज्ञाधातु में सन प्रत्यय करके जानने की इच्छा, इस अर्थ में जिज्ञासा पद बनता है। तो जानने की इच्छा का अर्थ यहाँ विचार करना, ये अर्थ समझना। तो विचारे लक्षणा, विचार में लक्षणा करना, तो जानने की इच्छा मतलब विचार करता है, विचार करना चाहिए, ये कहा। अतो धर्म विचार शास्त्रमिदं आरंभणीयमिति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। जो धर्म मीमांसा में मीमांसा शास्त्र का जो प्रथम सूत्र है उस सूत्र का ये तात्पर्य निकला कि प्रथम सूत्र के बारे में कह रहे हैं कि शास्त्रारंभ सूत्र, उसका नाम है शास्त्र को आरंभ करने का सूत्र, प्रतिज्ञा सूत्र है शास्त्र आरंभ सूत्र, शास्त्र को आरंभ करते हुए क्या कह रहा। अतो धर्म विचार शास्त्रम, धर्म विचार जो शास्त्र है उसको आरंभ करना चाहिए, ये आरंभणीय सूत्र है, प्रतिज्ञा सूत्र आगे देंगे। तो अतो धर्म विचार शास्त्र, धर्म विचार संबंधी शास्त्र, तो धर्म का विचार जिसमें होगा वो शास्त्र, ऐसा ब्रह्म का विचार शास्त्र है, धर्म का विचार शास्त्र है। अब आदल उसमें बैठना है तो कुर्सी में बैठ सकते, नीचे जो है आपको परेशानी हो रहा है। अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम, इदम शास्त्रम आरंभणीयम, आरंभ करना चाहिए, ये निश्चय हो गया, ये शास्त्र आरंभ सूत्रार्थ है, ये शास्त्र आरंभ सूत्र का अर्थ हो गया। इसमें जो भगवान जैमिनी कहा और भगवान का जो लक्षण दिया इसको भी याद कर लेना चाहिए, और जो द्वादश अध्यायों का संक्षिप्त कहा इसको भी ठीक से समझना चाहिए कि कौन सा अध्याय में क्या क्या आएगा। इसके बाद में 11वां पृष्ठ में आगे खंडिका है, ये लक्षण करने जा रहे हैं कि अथादो धर्म जिज्ञासा, ये आया तो अथ शब्द का अर्थ किया, अथ शब्द का भी अर्थ किया और जिज्ञासा का तात्पर्य बताया, विचारे लक्षणा ये कहा। अब उसमें धर्म शब्द रह गया, धर्म का क्या तात्पर्य, धर्म किसको कहते हैं, धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए, धर्म का विचार होना चाहिए, तो धर्म क्या है ये अगले खंडिका में विचार करते हैं। अथ को धर्म किम तस्य लक्षणमिति चेत्, किम तस्य लक्षणमिति चेत्,
उच्यते यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणं वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म इति अथ को धर्मः किं तस्य लक्षणमिति चेत् उच्यते यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म इति. ये धर्म का लक्षण है अथ को धर्मः, ये धर्म क्या है, किसको धर्म कहना चाहिए, क्यों प्रश्न किया, क्योंकि धर्म के विषय में अनेक मत मतांतर है. कोई कहते हैं किसी कुछ धर्म किसी का है, कुछ धर्म किसी का है, ऐसे अनेक मत मतांतर होने से यहाँ धर्म के विषय में प्रश्न किया गया, किसको धर्म समझना चाहिए. अतः को धर्मः किम तस्य लक्षणमिति, तो कौन धर्म है और उस धर्म का लक्षण क्या है, किसको धर्म का लक्षण के रूप में कहेंगे, ये पूछा. ये शिष्य का संशय है, प्रश्न है, तो उच्यते उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते. पहले कहा यागादिरेव धर्मः, यागादि को ही धर्म कहते. तो क्या धर्म है पूछने पर यागादिरेव धर्मः ऐसा कहा. तो याग आदि शब्द से होम दान द्रव्य गुण जाति आदि लेना है, यागे विस्तार करेंगे. तो याग आदि को ही धर्म कहना चाहिए. अच्छा, और तल्लक्षणम, उसका लक्षण क्या है, तो कहते वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति. ये धर्म का लक्षण है, ये अलग से लक्षण दिया. वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य और प्रयोजन से युक्त जो विषय है वो धर्म है. तो वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः, ये मीमांसा के अनुसार धर्म का लक्षण हो गया, इसी को धर्म कहते हैं. वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए और प्रयोजन जो करेगा उसमें प्रयोजन होना चाहिए कि पुरुषार्थ उत्पन्न होना चाहिए. ऐसे अर्थ को, अर्थ माने पुरुषार्थ विषय है, कार्य है, उसको धर्म कहते हैं. अब जो है यहाँ धर्म क्या क्या है इसके विषय में बहुत कुछ विचार है, किसको धर्म कहना चाहिए किसको नहीं कहना चाहिए. यहाँ सामान्य रूप से कह दिया कि वेद के द्वारा प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म है ये कहा. ऐसे में यहाँ ये स्मृतियाँ हैं जो इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको समझाने के लिए, कि एक तो धर्म का लक्षण के बारे में मनुस्मृति कहते हैं. मनुस्मृति में ऐसा श्लोक आया धृति क्षमादमशौचम अस्तेयम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम. ये 10 धर्म है ऐसा कहा. धृति क्षमादमशौचम अस्तेयम इंद्रिय निग्रह धृतिः क्षमा दमा शौचम अस्तेयम इंद्रिय निग्रह. धृति मन धारणा और क्षमा मन क्षमा, आप जानते हैं सहनम सर्व दुखानम, दुखों का सहन करना. और दमः इंद्रिय दमन, शौच साफ सफाई, कि आंतरिक शौच बाह्य शौच दो प्रकार का है, कि दोनों प्रकार का शौच होना चाहिए. आंतरिक शौच में अंतकरण आदि की शुद्धि के लिए काम क्रोध आदि निवारण के लिए जो शौच है आंतरिक शौच है. फिर जप करना, ध्यान करना, एकाग्रता करना, सद्विचार रखना,
ये सब आंतरिक शौच है। और इसी प्रकार बाह्य शौच है, बाह्य शौच है अपने शरीर को धोना, साफ रखना, और जो वस्त्र आदि है आप जिससे भी संबंध करते हैं उसको भी धोना, और जहाँ रहते हैं कमरा आदि भी साफ करना। हाँ, तो कोई कमरा साफ करने के बारे में सोचता नहीं, ये कमरा साफ करना भी अपना साधन के अंतर्गत है। कमरा साफ करना और जहाँ रहेगा वो आजू बाजू में भी साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये करना, इससे क्या है अपना व्यायाम भी होता है और उसका असर मन में रहता है। आप गंदा कमरे में रहेंगे तो मन में उसका असर होता है। ये योग सूत्र में इसके विषय में कहा है, इस शौच का बहुत बड़ा उपयोगिता है। खाली स्नान कर रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, खुशबू लगाने की जरूरत नहीं, स्नान कर रहे करके आप विभूति लगाया उससे हो गया, यही है, बाकी जो है वही शौच में आता है। तो ये आंतरिक शौच, बाह्य शौच, ये सब धर्म का संबंध में है, धर्म लक्षण है। और अस्तेयम, चोरी नहीं करना, और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयमन, सामान्य रूप से इंद्रियों का संयमन करते रहना। और धी ही बुद्धि, ये बुद्धि रखना, विचार, साफ विचार रखना, विद्या, ज्ञान, सत्य, सत्य बोलना, सत्यम अक्रोध, क्रोध नहीं करना। तो धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये दस को ही धर्म का लक्षण का। अब इसमें देखिए सारे कुछ हमारे जीवन में इसी के आधार पर पूरा धर्मशास्त्र बना हुआ है। अलग अलग अवस्था में वर्णाश्रम के नियम के अनुसार इन सबको करने के लिए विधान करते हैं कि ये करते रहेंगे तो आगे जाके आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धृति क्षमा, हाँ धैर्य मन धारण, धैर्य करना, जो धीर हो जाना, अभय भाव। धृति क्षमा दमशौजम अस्तेयम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म का लक्षण हो गया। अब जो है यहाँ जो वेद प्रतिपाद्य है ऐसा कहा, तो वेद में प्रतिपादित है वो धर्म होगा। इसमें कहते हैं कि वेद के साथ वेद प्रतिपादित मन वेद के अनुकूल स्मृति, ये भी प्रमाण है, और सदाचार भी प्रमाण है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम् एतत् चतुर्विधम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् एतत् चतुर्विधम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो अभी हमारे लिए प्रमाण क्या है, कुछ करने के लिए क्या प्रमाण है, कोई पूछा तो धर्म के विषय में ये ही प्रमाण, ये चार ही प्रमाण है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः, चार कहा, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में है। श्रुति स्मृति सदाचार, श्रुति यानी वेद, वेद को ही श्रुति शब्द से कहते हैं, और स्मृति यानी वेद के अनुकूल जो धर्मशास्त्र बनाए हैं वो स्मृतियाँ हैं, जैसा मान स्मृति आदि है, भगवद्गीता है, महाभारत है, पुराण है, ये सारे स्मृतियाँ हैं। तत्तद् आप्तवचन आगम, ये सब स्मृति, श्रुति स्मृति। और सदाचार, सदाचार मन शिष्टाचार, कहीं कहीं श्रुति और स्मृति से कोई बात नहीं मिल पाती है, कई श्रुति में अप्राप्त है, अभी नहीं मिलता है, इस समय वो प्राप्त नहीं है, किंतु आपको सदाचार को, शिष्टाचार को देख करके करना चाहिए। अथवा आप श्रुति को जानते नहीं हैं, स्मृति को नहीं जानते हैं, तो भी शिष्टाचार क्या होता है, शिष्ट लोग व्यक्ति कैसे कहाँ कैसे कैसे कर रहा है, उनके साथ रह करके उनको देख करके उसी के अनुसार आचरण किया जाता है, क्योंकि शिष्ट व्यक्ति वेद स्मृति के अनुसार ही जीवन चलाएगा, इसलिए वो आपके लिए प्रमाण हो जाता है। तो यद्यदा आचरति श्रेष्ठः इत्यादि कहा गया, तो सदाचार होते हैं। हाँ, ये तैतरीय उपनिषद में आया ना,
यदि आपको धर्म विजिज्ञासा वा वृत्त विजिज्ञासा वा स्यात्, यदि आपको धर्म के विषय में संशय होता है, आचार के विषय में संशय होता है, तो क्या करना है? एतत्र ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण जो माने शिष्ट व्यक्ति, सम्मर्षिणः, इसके आगे बताया वो जैसा जैसा आचरण करेंगे कि वैसा दे करके आपको आचरण करना है, तो विचार करके वो अपने सही आचरण में रखेंगे। और इसलिए आचार्यों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का ये भी नियम होता है, ये अपने लिए चाहे न चाहे उनको दूसरे के लिए यथार्थ अनुभव, यथार्थ जो है उसका ही आचरण करना है। यदि अयथार्थ का आचरण करेंगे अब वो देकर के दूसरा भी आचरण करते, तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य नहीं करे तो कोई दिखाई नहीं पड़े तो अलग बात है, जो सबके सामने है, सबका मार्गदर्शन करता है, जो शिष्ट करके मान्य हो गया है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल आचार विचार में रहना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार वो आगे आचरण करेंगे। वो करेंगे तो पूरा भी वो अनुपालन नहीं करेंगे, तो जितना अनुपालन करेंगे उसको देख करके करेंगे, इसलिए देख करके करना होगा। इसको कहते हैं सदाचार, श्रुति स्मृति सदाचार। स्वस्य च प्रियम आत्मनः, वो अपने लिए जो अच्छा लगे, अब ये अपने लिए अच्छा लगना मतलब आपको जो मन में अच्छा लगे ऐसा नहीं है, कहीं कहीं विकल्प आता है, जैसा गर्भाष्टमे अष्टमे वामासी ब्राह्मणम उपनीयात, कि गर्भ से लेके आठवां साल, इसका मतलब सातवां साल में होगा, गर्भ से लेके आठवां साल अथवा जन्म के बाद आठवां साल, उस समय ब्राह्मण को उपनयन कराना चाहिए, ये आया। अब यहाँ विकल्प दिया कि ये गर्भ से लेके आठवां साल मान सकते हैं या जन्म के बाद आठवां साल मान सकते हैं। गर्भ से लेके आठवां साल मानेंगे तो जन्म के बाद सातवां साल हो जाएगा, दस महीना उधर कम करेंगे तो इस प्रकार से मान ले, ये विकल्प दिया, इसमें से आप चुन सकते हैं। और उदिते जु होदी अनुदिते जु होदी, ये भी विकल्प दिया, षोडशिनम गृह्णा अधिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति न अधिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ऐसे ऐसे विकल्प आया। तो आचार्य लोग इसी को स्वस्य कहते हैं कि इसमें से आपको दो विकल्प दिया, उसमें से आप चुन सकते हैं, चुन करके उसी का आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था में भी आया है कि आप जो है ब्रह्मचर्य से, गृह से अथवा वन से अब संन्यास को जा सकते हैं, इत्यादि जो जावाल स्मृति आदि है कि कहाँ कहाँ विकल्प, अलग अलग विकल्प, बहुत सारे विकल्प दिया, तो उनमें से जो आपके लिए चुनना है वो आप स्वतंत्र है, उसमें चुन करके उसी का आचरण कर सकते हैं। एक तो ये अर्थ है, दूसरा तो ये भी अर्थ है कि जो वह आचरण करते हैं वो आपके मन के लिए तृप्तिकर होना चाहिए, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, ऐसा भी इसका अर्थ करते हैं। तो दोनों अर्थ में वो भी धर्म होता है, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, किंतु स्वस्य च प्रिय को चुनते वक्त आपके तृप्तिकर के रूप से चुन रहा है, वो श्रुति का, स्मृति का, सदाचार का विरुद्ध नहीं होना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचार विरुद्ध हो गया तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी, वो गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। तो ये चतुर्विधम प्राहु, ये चार को ही कहते हैं, शिष्ट लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? साक्षात धर्मस्य लक्षणम्, साक्षात यही धर्म है, ऐसा कहते हैं। तो इस श्लोक को भी याद करना चाहिए, और धृति क्षमा इत्यादि जो श्लोक है उसको भी याद करना चाहिए। तो इसमें यही सब करना होता है, क्योंकि आपको पूरे हमारे धर्मशास्त्र के बारे में, स्मृति के बारे में, आचार विचार के बारे में सामान्य एक ज्ञान इससे मिल जाता है। तो ये इससे क्या हमारा आधार अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आगे ब्रह्म जिज्ञासा कर नहीं सकते आप, इसके लिए चाहिए। साक्षात धर्म से लक्षण, साक्षात धर्म का लक्षण है, ये तो हो गया। अब यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में ही और कुछ बातें भी बताए हैं कि ये जो आध्यात्मिक चिंतन है ये भी धर्म है, और जो इज्ज आदि है, याग आदि करना, ये भी धर्म है।
किंतु भाष्यकार भी इसका उदाहरण देते हैं, इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणा। इज्य इज्य माने याग करना, इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणा। इज्य आचार दमा अहिंसा, इज्य आचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम्। इज्याचार दमाहिंसा, इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम्। ये सभी धर्म का कर्म है, धर्म के संबंध में है। इज्य मन याग करना, आचार मन वो जो समय समय का जो आचार है, आचार विचार है, और विशेष करके जो काल में जो करना है तत्तद निष्ठा के द्वारा जो नित्य कर्म आदि है ये सब, और दम इंद्रिय दमन, ये सब का आधार तो इंद्रिय दमन ही है, मनो मन का शमन और इंद्रिय का दमन शम दम, और अहिंसा अहिंसा का पालन करना, ये सब धर्म है। दान करना ये भी धर्म है, स्वाध्याय करना ये भी धर्म है, एक कर्म करना होता तत् कर्मों को करना, ये सब धर्म है, धर्म के अंदर ही है। किंतु दूसरे पंक्ति में कहते हैं अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्, अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्। किंतु ये सबसे परम धर्म है, उत्तम धर्म है। अयम तु परमो धर्मो, ये उत्तम धर्म है, यद योगेन आत्मदर्शनम्, जो ध्यान आदि के द्वारा स्वाध्याय निधिध्यास श्रवण मनन निध्यासन आदि के द्वारा आत्मा का ज्ञान करना। तो यहाँ योगेन शब्द से निधिध्यासन को लिया, निधिध्यासन से पूर्व में श्रवण मनन को अब जोड़ देना, उसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना ये सबसे परम धर्म है, ऐसा कहा। तो अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम्, इसका उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। अच्छा, अब जो है यहां जब हम धर्म के विषय में शंका करते हैं, एक विषय ये भी बोलना है यहां कि धर्म के विषय में संशय करते हैं तो ग्रंथों को हम देखते हैं, है ना। तो कौन कौन ग्रंथों को देखना चाहिए? एक तो कहा श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, ये चार बता दिया। अब उसमें से किसको देखते हैं, किन किन ग्रंथों को देखना है, इसके लिए भी वो स्मृति में कहा। और जो वक्ता होते हैं, अभी धर्म के विषय में विचार करना पड़ेगा, कोई संशय हो गया, विशेष कार्य में संशय हो गया तो विचार करते हैं, तो विचार करने के लिए कितना मिलकर के विचार करना चाहिए, कितने लोग कैसा बोलेंगे तो उसको आचरण आप करेंगे, तो इसमें बहुत विस्तार है। कि भाष्यकार एक जगह लिखते हैं बृहदारण्यक भाष्य में, धर्म सूक्ष्म निर्णये परिषद व्यापार इष्यते, ये शास्त्र के अनुसार वो कह रहे, भाष्यकार कह रहे कि धर्म सूक्ष्म निर्णये परिषद व्यापार इष्यते। तो परिषद व्यापार माने एक सभा बुलानी चाहिए, धर्म के सूक्ष्म के निर्णय में एक सभा बुला करके सभी मिलकर के आपस में विचार करना चाहिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर सभी शास्त्र के उत्पत्ति नहीं हो पाती है। कि कोई किसी विषय को जानता है, किसी के मन में कोई स्फुरित हुआ, उस समय दूसरे के मन में दूसरा स्फुरित होता है, तो ऐसा स्फुरित होने पर उन सबके लेकर के विचार करेंगे, सब शास्त्र के अनुसार विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। तो ये भी व्यवस्था दी है, बहुत विस्तार है ना धर्म का। तो भाष्यकार ने ये कहा कि धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार इष्यते, परिषद व्यापार चाहिए। अब परिषद कितने होते हैं, तो उन्होंने कहा दो वा दो भी परिषद हो सकता है, और दश वा दस भी परिषद हो सकता है, तो जितने भी मिलाकर, ऐसा ये याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रमाण मिलता है, इसके अनुसार भाष्यकार कहते हैं।
कि वे कहते हैं कि ये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं चत्वारो वेद धर्मज्ञा, चत्वारो वेद धर्मज्ञा पर्षद त्रैविद्यमेव वा, पर्षद षकार मूर्धन्य पर्षद त्रैविद्यमेव वा, चत्वारो वेद धर्मज्ञा पर्षद त्रैविद्यमेव वा, चत्वारो वेद धर्मज्ञा पर्षद त्रैविद्यमेव वा, सा ब्रूदेयम् स धर्मस्यात्, सा ब्रूदेयम् स धर्मस्यात् एको वाध्यात्मवित्तमः, सा ब्रूदेयम् स धर्मस्यात्, सा ब्रूदेयम् स धर्मस्यात् एको वा अध्यात्मवित्तमः, एको वा अध्यात्मवित्तमः। एको वा अध्यात्मवित्तमः। ये चत्वारो वेद धर्मज्ञा पर्षद कह, पर्षद मन परिषद, परिषद मतलब सभा, कि चार मिलकर के धर्मज्ञ, धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले चार होना चाहिए, तो चार मिलकर के परिषद होते हैं। अथवा त्रैविद्या, ये कहा है ना त्रैविद्यमेव वा, अथवा तीन वेद को जानने वाले मिल जाए तभी वो परिषद हो जाए। त्रैविद्य का अर्थ होता है तीन वेद, तीन वेद को जानने वाले मिलकर के निर्णय कर सकता है। और अथवा धर्मज्ञाः चत्वारः, चार धर्मज्ञ मिलकर के निर्णय कर सकते हैं। धर्म के सूक्ष्म निर्णय करना होगा, कोई विवाद खड़े हो जाएंगे तो इस प्रकार की सभा बुलाई जाती है। पहले मीमांसा दर्शन में निष्णात होने का यही प्रयोजन था कि ऐसी सभाओं में, राजाओं के सभा में इत्यादि में उनको मीमांसा शास्त्र का जरूरत पड़ता था, क्योंकि धर्म का जहाँ संशय होता है तो इस प्रकार की चर्चा होती थी। वहाँ कोर्ट बुलाया जाता है, फिर उसी में जो है सबका जो विवाद है वो रखा जाता है, फिर उस पर निर्णय होता था। तो चत्वारो धर्म वेद धर्मज्ञाः पर्षद त्रैविद्यमेव वा, इतना कहा। अब आगे कहते हैं कि सा ब्रूदे, ये जो परिषद जो कहेंगे, सा ब्रूदे यम, जिसको वो परिषद कहेंगे, स धर्मः स्यात्, वही धर्म होगा। ये परिषद का निर्णय का जो आएगा वही धर्म होगा। और नहीं तो आगे क्या, आगे क्या कहा, एको वा अध्यात्मवित्तमः, अथवा अध्यात्मवेत्ता, अध्यात्म को जानने वाले, वित्तमः अध्यात्म को जानने वाले में श्रेष्ठ, यानी जीवन मुक्त जो आचार्य है, सद्गुरु है, तो अध्यात्मवित्तमः, ऐसा वित्तम जो होगा वो एक जो निर्णय देगा वो भी हो सकता है। अब ये विशेष करके अध्यात्मवेत्ता के लिए कहा कि उसमें एक का निर्णय भी हो सकता है, किंतु वो अध्यात्मवित्तम होना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान रखने वाले होना चाहिए। तो इसका मतलब जीवन मुक्त होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तो ज्ञानी हो तो एक का निर्णय भी सही होगा, और नहीं है तो इस प्रकार से धर्म निर्णय के लिए बुलाना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्था दिया है, देखिए कितना साफ साफ बता रहे कि अभी क्या हुआ, इसमें सब उथल पुथल हो गया। अभी ये तो शास्त्र कह रहा है धर्म निर्णय के लिए चार बिठाना चाहिए, अब वो धर्म निर्णय करने वाले धर्मज्ञ ही नहीं है, और वो स्वयं जो है अपने जीवन में उस प्रकार का कुछ रखता नहीं है, और कहीं धर्मज्ञ जैसा बन गया फिर धर्मज्ञ का आचरण कर ले तो अधर्म हो जाता, वो सही निर्णय नहीं हो पाता, वो पूछने के लिए कोई पूछता भी नहीं है और बैठ करके निर्णय नहीं करता, तो गलत ज्ञान होता है। शास्त्र में पूरी व्यवस्था दी है इस प्रकार से करना चाहिए। और अध्यात्म वेताओं में भी परोक्ष ज्ञान रखने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो केवल शास्त्र का ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान उससे नहीं चलेगा, अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान जिसका हो गया वो तो स्वयं गुरु हो सकता है, सद्गुरु हो सकता है, वो धर्म का निर्णय कर सकता है, क्योंकि सारे शास्त्र का अध्ययन करके
फिर उसका अभ्यास करके अनेक वर्ष जो है तपस्या करके, चिंतन करके, श्रवण मनन करके, निधिध्यासन करके, तब जाके वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो वहाँ कोई कलंक नहीं आ सकता, वो निस्वार्थ चिंतन करता है, परोपकार के लिए ही चिंतन करता है, अपने किसी भी दोष को वहाँ मतलब कोई दोष रहता ही नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे स्थिति में उनका ज्ञान स्पष्ट होता है और सही निर्णय वो दे सकता है। इसीलिए एको वा अध्यात्म वित्तमः, तो भाष्यकार ने भी वहाँ ये विकल्प में कहा है, एको वा इत्यादि भी वहाँ जोड़ा गया है। ये यही चीज़ को भाष्यकार वहाँ कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति का ये संबंध को वहाँ कहते हैं। तो ऐसा धर्म का निर्णय इन सबसे होना चाहिए। और बाकी जो है विद्या जिसको कहा गया, जिससे आप श्रुति स्मृति का निर्णय लेते समय उसमें क्या क्या जोड़ना है, किस किस का प्रमाण ले सकते हैं, पुराणम पुराण का प्रमाण ले सकते हैं, और जो दर्शन शास्त्र है, न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, इनका सहायता ले सकते हैं, और वेद चार वेद का श्रुति के रूप में सहायता ले सकते हैं, और फिर षडंग जो षडंग का ले सकते हैं। इस प्रकार चतुर्दश, ये चार को धर्मस्थान बोलते हैं। धर्मस्थान का मतलब धर्म का निर्णय करने के लिए 14 स्थान है। क्या क्या है? एक तो चार वेद, फिर षडंग मिलकर के 10 हो गया, बाकी चार पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में बहुत ग्रंथ आते हैं, इनका भी कुछ गिनती किया है, और न्याय न्याय आप जानते हैं, और मीमांसा दर्शन तो ये है, और पुराण तो अष्टादश पुराण है, महापुराण है, अष्टादश उपपुराण है, इत्यादि है। तो इन सबको शास्त्र के प्रमाण को भी इनको कहते हैं 14 विद्या का स्थान है, 14 ही आपके लिए प्रमाण होगा, बाकी इधर उधर का कोई लिखा है कैसा बोला है ये प्रमाण। और इसमें भी क्या है, उत्तर उत्तर प्रमाण होता है, वेद जो है सबसे बड़ा प्रमाण होता है। पुराण न्याय इतिहास नहीं, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र चार, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, इसमें भी जो उत्तर उत्तर होगा वो प्रमाण होगा, वेद सबसे प्रमाण होता है, उसके बाद षडंग सहित वेद वो प्रमाण होगा, और उसके बाद धर्मशास्त्र, उसके बाद मीमांसा, उसके बाद न्याय, उसके बाद पुराण। पुराण एक सबसे अंत में आता है, इसलिए पुराण के साथ कहीं भी विरोध दूसरे का होता है तो दूसरे का लेते हैं, पुराण का नहीं लेते, विरोध नहीं है तब पुराण का लेंगे, ऐसा है। तो ये आपको आगे एक बहुत लंबा सूत्र ही आएगा, श्रुति लिंगवाक्य के प्रमाण इत्यादि से लेकर के स्थान का निर्णय करने की इसके विषय में आएंगे, किंतु ये 14 स्थान को मानना। तो अभी क्या हो गया कि धर्म का निर्णय करने के लिए, धर्म का विचार करने के लिए क्या क्या है ये सारा हमने बता दिया। इतने सारे स्थान लेकर के धर्म का सामान्य विचार होता है, जो हम यहाँ कर रहे हैं इसका आधार यही है। तो पहले तो क्या है, धर्म लक्षण मतलब पूरे धर्म का लक्षण है ये, इसमें धृति क्षमा शौच आदि आ गया। उसके बाद कहाँ से धर्म प्राप्त होता है वो धर्म का लक्षण बताया, श्रुति स्मृति सदाचार सुसेज प्रियमात्मनः, ये जो चार है। और फिर धर्म संबंधी कार्य में क्या क्या आ जाता है, इज्जा आचार दमा अहिंसा आदि बताया, उसमें अध्यात्म योग भी आता है, ये भी धर्म के अंदर आएगा इस प्रकार से, क्योंकि अध्यात्म योग जो है उपनिषद के द्वारा है, उपनिषद वेद में संबंध करता है, इसलिए वो भी धर्म में ही आता है। तो इसलिए भाष्यकार जो है गीता भाष्य में क्या लिखते हैं, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, दो प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण भी है निवृत्ति लक्षण भी है। तो प्रवृत्ति लक्षण में ये जो मीमांसा शास्त्र आदि प्रवृत्ति लक्षण में आता है, निवृत्ति लक्षण में उपनिषद आदि शास्त्र में भी आता है, जो सनत सनत कुमार आदि जिसने पहले प्राप्त किया, इस प्रकार दोनों धर्म है ऐसा कहा। और कहाँ कहाँ से धर्म हमको प्राप्त हो गया, चतुर्दश विद्यास्थान, और किन किन को प्रमाण मानना चाहिए, धर्म के विषय में विचार करने के लिए सभा बुलानी चाहिए, संशय हो गया तो आचार्यों की सभा बुला के निर्णय करना चाहिए, अथवा जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो यदि शास्त्र संबंधी कुछ विचार रखते हैं तो वो अपने आप में प्रमाण मानता है, ये भी स्वीकार किया। इस प्रकार से ये धर्म का पूरा
ज्ञान इसी में होगा। इधर तो सामान्य लक्षण दिया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थ धर्म, तीन श्लोकों को भी याद करें और ये धर्म का लक्षण भी याद करें। अब आगे ये वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, इसका पदकृत्य करते, इसका वाक्य व्याख्या करते, प्रयोजन आदि व्याप्ति वारणाय प्रयोजनवदिति, भोजनादावधि व्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति, अनर्थ फलगत्वाद् अनर्थ भूदेश्वेनादावधि व्याप्ति वारणाय अर्थ इति, अब देखिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ, ये धर्म के लक्षण में तीन विशेषण दिया, एक तो अर्थ वो यानी दो विशेषण मानिए प्रयोजनवद अर्थ, प्रयोजन वाला अर्थ, तो धर्म प्रयोजनवद अर्थ, धर्म क्या है, प्रयोजन वाला है, प्रयोजन से युक्त अर्थ है, अनर्थ नहीं अर्थ है, प्रयोजनवद अर्थ विषय है, प्रयोजनवद है वो। और वेद प्रतिपाद्य और वेद का वेद के द्वारा प्रतिपादित है, वेद के द्वारा प्रतिपादित माने ये स्मृति आदि भी इसको समझ ले, तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म है, तो इसमें केवल प्रयोजनवद अर्थो धर्म इतना ही कहेंगे, है ना, प्रयोजनवद अर्थो धर्म यदावत मात्र लक्षण करेंगे तो प्रयोजन में अधिव्याप्ति हो जाएगी, प्रयोजन प्रयोजने अधिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवदिति, कि प्रयोजन जो है प्रयोजन वाला होता है, प्रयोजन वाला अर्थ प्रयोजन होता है, ऐसे प्रयोजन में अधिव्याप्ति हो जाएगी, मतलब धर्म का लक्षण एक प्रयोजन में जाएगा, प्रयोजन धर्म नहीं है, जैसा स्वर्ग है स्वर्ग धर्म नहीं है, धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला है, तो इसीलिए वो प्रयोजन है, वो जैसा भोजन किया तृप्ति हो गई, तृप्ति भी एक प्रयोजन है, वो धर्म नहीं है, जैसा आपने प्रयत्न किया पैसा मिल गया प्रयोजन हो गया, तो प्रयोजन धर्म है, तो प्रयोजनवद अर्थ है, प्रयोजनवद अर्थ प्रयोजन है, प्रयोजन में अधिव्याप्ति हटाने के लिए तो लक्ष्य वृत्ति अलक्ष्य वृत्ति तो हो जाएगा, लक्ष्य एवं धर्म है उसमें अलक्ष्य में भी जाएगा, तो प्रयोजन अलक्ष्य में नहीं जाए, तो इसको हटाने के लिए प्रयोजनवद ऐसा कहा, तो प्रयोजनवद इतना ही, प्रयोजनवद अर्थ ये विशेषण दिया कि प्रयोजनवद अर्थ ये, अच्छा इसमें अर्थ शब्द को अलग करना चाहिए, प्रयोजनवद अर्थ का विशेषण है, तो प्रयोजनवद विशेषण दिया अर्थ इतना कहेंगे प्रयोजन में अधिव्याप्ति है, प्रयोजनवद अर्थ में प्रयोजन वाला अर्थ क्या होता है, प्रयोजन होता है, तो इसलिए प्रयोजनवद कहेंगे तो प्रयोजन वाला कहने पर प्रयोजन और प्रयोजन वाला अलग हो जाएगा, प्रयोजन से युक्त कोई और चीज होता है, प्रयोजन है अभी तृप्ति एक प्रयोजन है, प्रयोजन से युक्त कौन हो जाएगा, जो हम भोजन आदि कर रहे हैं वो प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि भोजन करने के बाद तृप्ति होती है, इसका मतलब प्रयोजन हो गया तृप्ति और प्रयोजनवद अर्थ हो गया भोजन आदि, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों में संबंध है, क्योंकि प्रयोजन से युक्त को प्रयोजन वाला कहेंगे, प्रयोजनवद ऐसा कहेंगे, तो प्रयोजन से युक्त अर्थ क्या है, वो भोजन आदि कार्य हो गया, वो जो भी विषय हो गया ऐसा होता है, इसीलिए प्रयोजनवद अर्थो धर्म ये लक्षण मात्र कहने पर आगे कहते हैं भोजनादो अधिव्याप्ति, भोजनादि में अधिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि प्रयोजनवद अर्थ भोजनादि भी है ना, भोजन करना भी तो प्रयोजन है, ये भी धर्म होने लगेगा,
किंतु भोजन करना कोई धर्म नहीं है, ये वेद प्रतिपादित नहीं है। तो वेद पर क्योंकि भोजन करना तो कोई भी भूखा भी पशु भोजन कर रहा है, अब कोई धर्म कर रहा है क्या? वो पशु का भोजन करना, वो घास खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग भी भोजन कर रहे हैं, भोजन करने मात्र से कोई धर्म नहीं होता। तब तो किसी को कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं था, खा पी करके सो गया, खाते रहो पीते रहो सोते रहो, धर्म होते रहेगा और पुण्य बढ़ेगा, ऐसा होने वाला था। भंडारा खा खा करके धर्म होने वाला था, भंडारा खाने से धर्म नहीं होता है, इसीलिए भोजन करने से धर्म होने वाला नहीं। किंतु जो लक्षण दिया था वो भोजनवद अर्थ है, दो अलग अलग करना, पहले केवल अर्थ का लिया, उसका है प्रयोजन अधिव्याप्ति वारण के लिए प्रयोजनवद का, है ना? अच्छा, उसमें फिर उसके बाद में प्रयोजन विशेषण देना अथवा वेद प्रतिपाद्य अर्थ, इतना लेने से क्या होगा, ये प्रयोजन में अधिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए प्रयोजनवद अर्थ ऐसा कहा, प्रयोजन से युक्त। अब केवल प्रयोजन से युक्त ऐसा कहेंगे तो भोजन में अधिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि भोजन तो प्रयोजन से युक्त है, भोजन एक क्रिया है, एक कर्म है, हम जैसा याग आदि कर रहे हैं वैसा ही एक कर्म है ना, भोजन करना बहुत बड़ा कर्म होता है, साफ करना पड़ता है, ये करना, पकाना करना, ये करना, वो खाना है। कई लोग ऐसे भी मानते हैं, ये जितने बुद्धि रखने वाले हैं ना वो लोग ऐसे करते हैं, कहेगा भोजन करने का जीवन मतलब क्या है, भोजन करना सो जाना, यही धर्म होता है, और जो भी है भोजन बना के खाओ सो जाओ, यही तो करते रहते हैं लोग। बाकी धर्म के बारे में मंदिर जाना, उसमें वहाँ से पैसा चढ़ाना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, जप करना, स्नान करना, कुछ नहीं, यहाँ तक अपने आसपास पड़ोसी वालों को कुछ नहीं दे, कुछ नहीं करना है, अपने लिए जो करना है कमाओ खाओ सो जाओ, फिर होता है उसी से किसी को कोई उपद्रव नहीं करता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हम किसी को कोई उपद्रव नहीं करते, अपना ला करके खाते हैं सो जाते हैं और कमरा बंद करके रहते हैं, वो थोड़ा मानसिक बीमारी है, उनको क्या दूसरे से मिलने से सुनने के कुछ ये नहीं है, तो चुपचाप आ करके कहीं से कमा करके ला कर खाएंगे, तो सोचते हैं हम बहुत आराम से जी रहे हैं, हम धर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम किसी को उपद्रव नहीं कर रहे, आपको उपद्रव से मतलब नहीं है कि शास्त्र विहित रूप से आपको आचरण करना पड़ेगा, भोजन तो कोई पशु भी करता है, भोजन करने के लिए पशु को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो जन्म से लेकर के बाहर जाकर के भोजन करता है और वो चुपचाप रहता है, वही तो आप ही कर रहे हैं, तो वो चरने के लिए पशु जाता है, आप तो कमा करके खाते हैं, इतना ही अंतर है, इससे कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए भोजन आदि में अधिव्याप्ति होगी, किस लक्षण का, प्रयोजन वदर्थो धर्म, इस लक्षण की अधिव्याप्ति है, इस लक्षण की अधिव्याप्ति कहाँ है, भोजनादो भोजनादि अधिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य, वेद के द्वारा प्रतिपादित भी होना चाहिए, वेद का प्रतिपाद्य विषय होना चाहिए, उसी को धर्म कहे। ये क्यों कहा, क्योंकि ये भोजनादि जो है ना वेद प्रतिपाद्य नहीं है, भोजन करने के लिए वेद नहीं कहता है, और भोजन करने के लिए वेद के पास आप पूछते भी नहीं, अब जो आपको भूख लगेंगे जो आपको मिलेगा वो खाता है। ये जो है जन्म से आपको उत्सर्गदा प्राप्त है, इसमें एक बात ध्यान रखिए, भोजन का उदाहरण बिल्कुल सही उदाहरण है, बाद में भी काम आएगा, कि भोजन करो ऐसा वेद नहीं कहता है, क्या करो बोला, भोजन करो ऐसा वेद नहीं कहता। अब प्रश्न होता है क्यों नहीं कहता, वेद को कहना चाहिए भोजन करो, वो नहीं कहेगा, आपको भूख लगेगा तो आपने आप भोजन करने जाएगा, भोजन करो करके वेद कहेगा तो वो वेद का कोई प्रयोजन ही नहीं, वेद का कोई मतलब उसमें कोई अपूर्वता ही नहीं, कोई विशेष नहीं है, भोजन तो सभी करता है, वो पशु भी करता है, पशु क्या वेद से सुन करके कर रहे क्या, इसका मतलब भोजन करो ऐसा कभी वेद कहेगा नहीं, वेद का विधान नहीं है। फिर वेद का विधान क्या है, कि आप जो है रागतः आपके भूख प्यास से पीड़ित होकर के स्वभावतः उत्सर्गतः, उत्सर्ग भी कहते उत्सर्ग मतलब स्वभाव से ही, जन्म से ही, या राग से पीड़ित हो गया, राग मन यहाँ भूख ही है, भूख से भोजन के प्रति इच्छा हो गई, तो वो अपने आप जो है भोजन में आप प्रवृत्त हो रहा है, जब आप भोजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, रागतः प्रवृत्त हो रहे हैं, तब जो है वहां नियम विधि होता था, ये इसको कहते हैं नियम विधि, बाद में आएगी इसके बारे में। तो कहता है तुमको भूख लग रही है, ठीक है भोजन करना है, किंतु भोजन ऐसा करो, इस प्रकार से करो, इस प्रकार से भोजन
तैयार करो और इस प्रकार से बैठो, इस प्रकार से आजम करो, इस प्रकार से भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो और प्राणाहुति करो, फिर ये सब करके भोजन करो और बाद में ऐसा उसका समापन भी करो, अंतिम आजम करके समापन भी करो, ये बताता है। अब उसमें क्या है, भोजन करने के लिए नहीं बोला, किंतु भोजन करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो उसको नियमित किया, ये वेद कहता है। भोजन करने की विधि वेद में है, विधान वेद में है, किंतु भोजन करो करके नहीं, ये बहुत अंतर है, इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार किसी को नहीं कहता है कि तुम स्वर्ग जाने की इच्छा करो, तुम स्वर्ग जाओ, ऐसा वेद नहीं कहता है। स्वर्ग जाने के लिए नहीं कहता है, स्वर्ग जाने की इच्छा करो ये भी नहीं कहता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, कहीं से सुना स्वर्ग में बहुत कुछ जो है सुख भोग होता है, हम जाना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा रोक नहीं पा रही है, वो वहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा हो गया। अब आपको पता नहीं क्या करना है, क्या करने से वहां जाएगा, आपके स्वतः इच्छा हो गई स्वर्ग जाने की, तब जा करके वो स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये बताता है। इसलिए स्वर्ग काम हो ये जेदा ये वाक्य आएगा, बहुत सुंदर इसमें विचार है। तो स्वर्ग काम करो ऐसा नहीं कहता है, स्वर्ग काम हो गया है, जो जिसको स्वर्ग की कामना है, अभी स्वर्ग काम बैठा हुआ है, उसको कहता है ऐसा ऐसा कर्म करके ये जेदा याग करो, याग के द्वारा स्वर्ग में जाओ, ऐसा बोलता है। इसी प्रकार कोई शादी नहीं करना चाहता, इसको नहीं कहता है कि शादी करो, ऐसा नियम नहीं करता है। तो उसको हो गया कि प्रजा प्रजा दंधु मा व्यवच्छेदसी, ये तो कहा प्रजा दंधु को काटना नहीं चाहिए, मतलब आपकी संतान परंपरा होनी चाहिए, किंतु वो किसको, जो जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, हाँ भार्या में स्यात् अथ प्रजायेय, वित्तम में स्यात् अथ कर्म गुर्वीय, बृहदारण्य में पढ़ा है ना, ये इच्छा हो गई मुझे भार्या हो जाए, पत्नी हो जाए, जिससे कि मैं प्रजातंतु को आगे बढ़ाऊँ, फिर जो है वित्त हो जाए तो जिससे मैं कर्म करूँ, कि एकाकी नर मेधा, वो अकेला रह रहा था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में करके सब रह रहा था, अकेला रहने में फिर आनंद नहीं आया, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया, समावर्तन हो गया, समावर्तन होने के बाद अकेला हो गया, तब जो है उसका दिमाग घूमने लगा, मैं अकेला भी क्या करूंगा, ये तो सब करना पड़ेगा, तो तब जाकर के उनकी इच्छा हो गई शादी करने की, विवाह करने की, तब कहता है इस प्रकार से विधान करो कि आप जो है कौन सा गोत्र से है, कौन से पत्नी को देखना है, क्या करना है, सब करना है, वो विधान करता है। इसीलिए इच्छा करो कभी भी वेद नहीं कहता, ऐसे ही मोक्षम इच्छेद ये भी नहीं कहता है, मोक्ष की इच्छा करो ये भी नहीं कहता है। आपको पुरुषार्थों में मोक्ष चाहिए तो अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, सब करो बोलता है। इसमें बहुत अंतर है, लोग यहाँ क्या है नहीं समझते, बोलते हैं ये इच्छा करने के लिए भी शास्त्र कहता है, ऐसा नहीं कहता। अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा जरूर है, युद्ध करो बोला, किंतु तब कहा जब वो युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया, अपने युद्ध करने की सब तैयारी करके, कितने सालों से विचार करके तैयार करके सब अभ्यास करके युद्ध भूमि में आ गया युद्ध करने के लिए, फिर वहां से जो है भ्रमित होकर के भाग रहा था, तब कहा युद्ध करो, लेकिन युद्ध करने की इच्छा करो ऐसा कहीं विधान नहीं करता। तो वो भ्रमित होने पर भ्रम को दूर करेगा और क्या करना है बोलो उसको दूर करेगा, बाकी आपको करने के लिए नहीं कहता। किंतु स्नान करो बोलता है, शौच करो बोलता है, स्नान करो बोलेगा। स्नान करो क्यों बोलता है मालूम है, स्नान करो वेद का विधान है, बाह्य स्नान भी कहा है ना, ये धर्म है कहा, शौच को धर्म के अंदर गिना, ये इसलिए ये श्लोक सारे याद रखना, तब आपको स्पष्ट रहेगा ये धर्म के अंदर विधान है कि बाह्य शौच आंतरिक शौच। ये क्यों कहा, क्योंकि ये निसर्गतः स्वभावतः प्राप्त नहीं, आपको स्वभावतः स्नान करने की इच्छा नहीं होती है, स्वभावतः सुबह जो है सो जाते हैं, वो उठ करके वो करने की इच्छा नहीं होती है, और शौच गया तो भी साफ करने की इच्छा नहीं होती है, पानी में छूने की इच्छा नहीं होती, स्वभावतः प्राप्त नहीं है। पानी पीने की इच्छा होती है वो स्वभावतः प्राप्त है, किंतु स्नान वान करना स्वभावतः प्राप्त है क्या,
नहीं है। सुबह उठने के लिए बोला तो वो स्वभाव तो प्राप्त नहीं, ज्यादा से ज्यादा सो जाएंगे, फिर बोलेंगे क्या हो गया, वो ठीक नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ना कुछ बोलेंगे, किंतु कारण वो नहीं है, वो स्वभाव तो आलस्य है। इसलिए वेद कहता है सुबह उठो, हाँ प्रातः काल में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, जप करो, ये बोलता है, क्योंकि ये सारे चीजें आपको स्वभावतः प्राप्त है। भोजन करने की इच्छा स्वभावतः प्राप्त है, सो जाने की इच्छा स्वभावतः प्राप्त, इसलिए सो ऐसा नहीं कहता, सो जाओ ऐसा वेद का विधान नहीं होगा, कैसा सोना है ये विधान होगा। आप सोने की जब इच्छा करते हैं, किस प्रकार कहाँ मुंह करके, कहाँ सिर करके, कैसा सोना चाहिए ये बताएगा, वो स्वभावतः प्राप्त है, उसका विधान विचार करता, प्रकार बताता है, ये इस प्रकार से करो। इसमें दोनों में अंतर है, इसलिए कहा यहाँ कि प्रयोजनवद अर्थ करने से वो भोजन आदि में अधिव्याप्ति होगा है? तो उसको हटाने के लिए वेद प्रतिपाद्य कहा, इसमें वेद प्रतिपाद्य नहीं, क्योंकि शब्द सुनने से संशय होगा कि क्या भोजन के लिए वेद नहीं कहा, क्या भोजन मना किया है क्या वेद ने, भोजन मना नहीं किया, भोजन आप तो करेंगे ही, आप तो भूखा है तो करेंगे, वो मूर्ख है तो करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसको सही करने के लिए वेद कहता है कि इस प्रकार से करो, तो उसके उससे क्या होता है, आपके मन व्यवस्थित हो जाएगा, मन व्यवस्थित हो जाएगा, एकाग्रत हो जाएगा, और जैसा ये जो गुण बोला है, धृति क्षमा निशौच दम और इंद्रिय निग्रह अस्तेय, और ऐसा ऐसा गुण आप बनाते जाएंगे, और उससे बुद्धि शुद्धि होगी, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, एकाग्रता करेंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और धीरे धीरे आप इससे उठ जाएंगे, उठ करके जब आप समाधि में चले जाएंगे तब भोजन की इच्छा छोड़ देंगे, मतलब जो आप भोजन करके बिना नहीं जी सकते थे, वहाँ बाद में भोजन के बिना भी जी सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, कहीं से भी शुरू करके आगे ले जाना। इसलिए ये सामान्य निसर्गदा उत्सर्गदा प्राप्त और विशेष विधा, इन दोनों में अंदर है, ये सब विस्तार होगा आगे, टीका में भी कुछ बातें कही है, उसको कल दे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मराज की गुजरा जाए।